बहुत ही अमेजिंग टूल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो एक कोई सा भी आप इमेज ओपन कर लीजिए, मैंने ऑलरेडी एक व्हाट्सएप इमेज ये किया है, ओपन किया है, देख सकते हैं यहाँ पे एक चीज़ आपको पता होगा जेनरेटिव फील। ओके, तो इससे क्या कर सकते हैं कि बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं इस तरीके का। देखिए मैं दिखा रहा हूँ, बिफोर एंड आफ्टर। अभी इस चीज़ को यहाँ पे कैसे करें, तो फर्स्ट यू हैव टू ओपन द इमेज, ओके, और ब्रिंग इट योर इमेज ऑन कैनवस। तो इस तरीके से आप एक ओपन कर सकते हैं, और मैं अगेन इसमें जा रहा हूँ तो डुप्लीकेट कर रहा हूँ, कंट्रोल जे टू मेक डुप्लीकेट। ब्रश टूल भी सेलेक्ट कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे न्यू टूल यूज कर रहा हूँ जो कि सिलेक्शन ब्रश टूल है, जो कि AI मॉडल पे बना हुआ है। तो इससे क्या करेंगे, जिस एरिया को, जिस भी इमेज को रिमूव करना है उस पर आप फेर दीजिए इसको। मेक श्योर जो आपका हीरो इमेज है उसको इफेक्ट ना हो। एंड इसके बाद यहाँ पे भी थोड़ा सा लेके आते हैं, ओके, सो लिटिल बिट मोर लाइक, तो थोड़ा सा टाइम लेके आप इसको कर लीजिए। एंड जनरेटिव फील पे क्लिक करेंगे, ओके, सो आई विल गिव सम प्रॉम रिमूव दिस बैकग्राउंड ऑब्जेक्ट। ओके, तो मैं इतना ही दे रहा हूँ, आई थिंक फेयर इनफ फॉर इंफॉर्मेशन, एंड जनरेट कर देते हैं। तो इससे क्या होगा कि एक न्यू लेयर पे ये एडिट करके देगा, उस चीज़ को रिमूव कर देगा जिस तरीके से हमने प्रॉम्प्ट दिया है। AI पे बहुत ही वर्क कर रहा है, तो इससे क्या होगा कि डिज़ाइनर का जो भी काम है थोड़ा सा उसमें टाइम सेविंग रहेगा, देख सकते हैं क्विकली। और नॉट ओनली रिमूविंग दट, इसमें आपको वेरिएशन भी मिलता है कि फर्स्ट वन, सो यू कैन विच वन यू कैन यूज। सो कुछ माइनर चेंजेस हम लोग करनी पड़ेगी, जैसे कलर ग्रेडिंग देखो यहाँ पे, तो किस और ऑब्जेक्ट ठीक से यहाँ पे रिमूव भी नहीं हुआ है। जैसे कि मैं मान लीजिए यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये बैकग्राउंड पे नहीं, बट फेयर इनफ टू एडिट अ नॉर्मल इमेजेस, और यू कैन गो थ्रू अनदर इमेजेस। सो दिस वन इज आई थिंक आई लुक्स गुड। तो देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर, सी बिफोर एंड आफ्टर, फेयर इनफ, वेल डन बाय Adobe फोटोशॉप। सो आज के वीडियो में इतना ही, सीखेंगे न्यू वीडियो में न्यू ट्यूटोरियल्स।